इंदौर के पास महू तहसील के एक पुलिस थाने में लोकअप के अंदर बंद एक मुजरिम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला मध्य प्रदेश के किशनगंज पुलिस थाने का है। जानकारी के अनुसार मृतक को 302 और 307 के मामले में गिरफ्तार किया गया था। घटना की सूचना लगते ही इंदौर एसपी सहित कई बड़े अधिकारी थाने पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम गोपाल पिंचोरी निवासी बोरखेड़ी थाना किशनगंज है। वह 23 जनवरी को अपने मामा जयप्रकाश मिश्रा निवासी शांतिनगर के घर 1,00,000 रुपए लेने गया था। उसी बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर मामा ने रुपए देने से मना कर दिया तो इसी बात से नाराज भांजे ने चाकू से मामा जयप्रकाश के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में आई जयप्रकाश की पत्नी उमाबाई भी घायल हो गई। दोनों को शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान जयप्रकाश की मौत हो गई थी, जिसके बाद दूसरे दिन ही आरोपी गोपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जब से ही पुलिस की हिरासत में था, जिसके बाद आज सुबह आरोपी गोपाल ने लोकअप के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि कल दोपहर को ही मृतक गोपाल को हिरासत में लिया गया था। मृतक गोपाल के पिता व परिजनों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है कि पुलिस ने ही गोपाल को मारा है, लेकिन पुलिस लोकअप में आरोपी द्वारा आत्महत्या करने पर पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। 302 के अपराध में गिरफ्तार आरोपी के द्वारा हवालात के अंदर फांसी लगा दी गई। इस सूचना पर चूंकि अभिरक्षा में मृत्यु का मामला था, इसलिए तत्काल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को निवेदन किया गया जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, और उनके द्वारा एक मजिस्ट्रेट साहब जांच के लिए भेजे गए। पंचायतनामा लाश अभी उन्हीं की मौजूदगी में हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी रवाना की गई है। पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराया जाएगा, 3 डॉक्टर का पैनल होगा और उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसकी रिपोर्ट होगी। सर, पुलिस रिमांड में था इतने दिन से ही आरोपी जो है, उसकी जो है वो अरेस्ट हुई थी और उससे चाकू की बरामदगी का प्रयास किया गया। आरोपी का नाम क्या? गोपाल पचौरी नाम था। सर, कितने दिनों से रिमांड में था आरोपी? ये अभी इसकी 3:30 की अरेस्ट रही है, बाकी चीज़ें हम लोग अभी जाँच में देख रहे हैं। सर, एक चीज़ सीसीटीवी फुटेज में जो आपने देखा होगा, तो सर फांसी कैसे लगाई उसमें कुछ आपके यहाँ? हाँ, सीसीटीवी फुटेज इसमें मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज जो है वो चूँकि जुडिशियल इंक्वायरी आर्डर हुई है, तो सीसीटीवी फुटेज हम उनको सेव करके और एक टेक्निकल एक्सपर्ट से हम मजिस्ट्रेट साहब को सौंप रहे हैं। प्रथम दृष्टिया सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने भी देखे हैं, तो उसमें उसका जो है वो फांसी लगाने का समय लगभग 7:50 के आसपास। सर, किस चीज़ से फांसी लगाई है? उसने जो उसको कंबल दिया जाता है उसी में से उसने कुछ वो निकाल के सिला हुआ रहता है उससे उसको। उस समय ड्यूटी पे कौन था? सर, ड्यूटी पे दो लोग थे, एक महेंद्र सिंह और एक गजेंद्र, एक हेड कांस्टेबल थे और एक गजेंद्र करके कांस्टेबल। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, इनकी उसके क्या कहना चाहिए, इनकी लापरवाही की जांच की जा रही है और उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। महिला पुलिसकर्मी का नाम, वो भी कहना थे? महिला पुलिसकर्मी के बारे में मुझे अभी तक नहीं बताया, लेकिन अगर कोई ऐसा तथ्य आएगा तो उसको देखें। सर, क्या मानते हैं, पुलिस एक तरफ कई सारे अपराधियों को काफ़ी शिकंजा कसती है उसके ऊपर, और थाने के अंदर इस प्रकार की घटना होना, क्या मानते हैं? इस प्रकार की घटनाओं को लेकर पूर्व में भी बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं और ऐसे अपराधी, इसके बारे में हमने पूर्व में जानकारी अभी उठाई तो पता लगा कि इसने एक बार छत से कूदने का भी प्रयास किया था, और जो अपराध जिस तरीके का इसने घटित किया था, आप लोगों की भी जानकारी में होगा कि इसने अपने सगे मामा को चाकू मारा था, मामी को भी मारा था, मामी जो है वो गंभीर घायल हुई थी और मामा की डेथ हो गई थी। तो सडन प्रोवोकेशन में जो हत्याएँ होती हैं उसमें घटना करने जी जहाँ बालक को आपसे कब कहाँ से पुलिस ने बालक को उठा के लिया था इन्होंने शांतिनगर से। कितने बजे? मामा के यहाँ, मेरे को नहीं मालूम, मैं ड्यूटी चला गया था 7 बजे, मेरे को नहीं मालूम, मालूम पड़ा है मेरे को 9 बजे कि इनको मामा के यहाँ गए थे, इन्होंने बुलाया था, क्या हुआ कितने, कौन सी तारीख की बात है? 23 तारीख की बात है। 23 तारीख 9 बजे आपको पता लगा कि पुलिस ले गई है शांतिनगर मामा के घर से? जी हाँ।
और उस दौरान फिर पुलिस ने बताया आप गए हो थाने? नहीं, मैं थाने आया तो मेरे को यहाँ मिलने नहीं दिया, यहाँ आए ही नहीं है, बोले यहाँ कोई नहीं है, मना कर दिया गया, कोई है ही नहीं है। कोर्ट में कब पेश करा बताया क्या आपको? कोर्ट में पेश नहीं करा, कोर्ट के लिए मैंने इनको बोला कि 24 घंटे के अंदर जो है नहीं रख सकते हो, 24 के अंदर निकाल देना है उसको, कोर्ट में ले जाओ कहीं भी ले जाओ। कोर्ट में आज तक नहीं लेगा ना उसको, तो कोर्ट में ये ले ही नहीं गए। पुलिस आपको कोई जानकारी भी नहीं दी कि कोर्ट में ले जा रहे हैं? कुछ भी जानकारी नहीं दी, ने कोई सूचना नहीं दी। कल ये शाम को हमारे घर पर पहुँचे पुलिस वाले और वो क्या इंक्वायरी करना था, क्या पूछताछ करनी थी जी, बस वहाँ पहुँचे, मेरी घर वाली थी और कोई नहीं था। आज की घटना की कब जानकारी दी? आज की घटना की जानकारी मेरे को 10:30 बजे 11 बजे बुला गया है जी, कि तो आप जो है आधा घंटे के लिए ने बुलाया, मैं वहीं खड़ा था, आधा घंटे के लिए यहाँ आ जाओ और हमारे घरवाली को भी और बड़े लड़के को बैठा रखा है जी। तो मैंने बोला क्या हो गया, बोले नहीं आपको यहाँ आना है, तो इतना बोला, ये जानकारी नहीं दी तो क्या हो गया। मैं वहाँ गेट पास दे के आया हूँ कंपनी में, मैंने कैश मोटर कंपनी के अंदर मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ जी, और वहाँ पे मैं कैश मोटर से अपने हेड साहब के मतलब HR के साइन करा के आया और मैं गेट पास लेके आया हूँ। सर एक चीज़ और पूछा था, अब ये जो घटना आपको पता चली इसके बाद आपका क्या मानना है, आपका क्यों कुछ आरोप है या आप कोई आगे शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री? कोई जरूरी थोड़ी को मर जाओ, इन्हें मार के टांग दिया उसको, टाटे रही छह दिन से कर रहे तुम, इन्होंने 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं दिया बात? फिर सबसे बड़ी बात है, पुलिस का कहना है कि कल ही उसको हिरासत में लिया गया था। अरे नहीं यार, यही तो झूठ बोलती पुलिस के, पुलिस हिरासत में लिया गया क्या है, इन्होंने मौके पर वहीं ले लिया उसको, 23 तारीख में लिया गया है, सब कुछ हुआ है 23 तारीख में। अपना नाम बता दो, मेरा नाम कमल। आपको क्या बोला गया सुबह जब आप यहाँ? मेरे को तो बुलाया गया है कि आप जो है थोड़ी सी आपसे बातचीत करना है। तीन जवान गए हुए थे घर पर, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आप? यहाँ पे मैं आया, कुछ नहीं, मेरे को बैठा रखा है 2 घंटे से वहाँ, 1 बजे 1:30 बजे के बाद मेरे को बताया गया क्या कि वो बोले तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा कर दिया। अब कैसे मालूम पड़ा हमको, कैसे मालूम पड़ा? माने कोई भी नहीं मानेगा। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है पुलिस ने मार के टांग दिया उसको, और क्या साजिश है, ये लगता है साजिश है। आप क्या है लड़की जी? क्या लगता है? चाचा लगता है। चाचा, हाँ बस, क्या नाम बता दो? बुद्ध प्रकाश पचवारी। ठीक है, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।